बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साबिका एक पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। केमिस्ट्री एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का ये पेपर है, साबिका पेपर है, उसी को कंप्लीटली पूरे पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस है। देखिए दोस्तों, ये पेपर है, पेपर डिम है, इसलिए इसी पेपर को मैं एमएस सॉल्व में लिख चुका हूं, वहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी हेडिंग को जरा देखिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद, ये रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री बीपीएस 17 का है। और ये टेस्ट हुआ था 28 सितंबर 2012 को, 10 साल पहले ये टेस्ट हुआ चुका था। और इसका टाइम था 1 घंटा 3 से 4 बजे और टोटल 100 मार्क्स है इसके। तो इस पूरे पेपर को मैं एमएस वर्ड में लिख चुका हूं ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व करें, उसको रीड करें और आप भी समझ जाएं। तो चलिए एमएस वर्ड की तरफ देखिए दोस्तों, ये मैं एमएस वर्ड में लिख चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, दिस वन देखिए, द एनर्जी जनरेशन इन स्टार इज ड्यू टू, द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज एज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो इसमें ऑप्शन डी, साइक्लोट्रॉन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल, रिजिडिटी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, एज प्रेशर इज अप्लाइड टू आइस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, एज प्रेशर अप्लाइड टू आइस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन को, व्हेन वाटर वेपर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द अर्थ, आगे खाली जगह है, एट लीव ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट्स लीव्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी, डी यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, 6 नंबर क्वेश्चन को, Unequal expansion of metals makes possible the operation of thermostat. Unequal expansion, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखे, केमिकल कंपाउंड्स प्रोटीन इन नेचर मेड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंजाइम्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, 8 नंबर क्वेश्चन को, विच इज यूज इन मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, विच इज यूज इन मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, कोला सीड्स कॉन्टेन क्वांटिटीज ऑफ कैफीन, कोला सीड्स
contains quantities of caffeine, option B. 10 number question, the organic nutrient with the highest calorific value is fat, option C. और क्वेश्चन नंबर 11 देखे, एज द टेम्परेचर राइजेस द स्पीड ऑफ साउंड राइजेस, एज द टेम्परेचर राइजेस द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो राइजेस, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 12 देखे, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्रोमेटिन इज DNA, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13 देखे, ब्रोंज इज एन एलाय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14 देखे, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इंप्लाइड एज फ्यूल इज U-235, ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन 15 देखे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, अ क्लोज बॉटल कंटेनिंग वाटर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज कैरी टू द मून इन अ स्पेस शिप. इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, व्हाट विल हैपन टू वाटर एज सोन एज द लिड इज ओपन्ड, the water will boil, option A correct है. Question number 16 देखे, light is a form of what? Energy. Light is a form of energy and its speeds be measured. 17 number question देखे, the smallest particle of an element that exhibit all the properties of the element is the atom, option B correct option है. question number 18 देखे, 18 number question को, an atom of iron is times as heavy as atom of hydrogen, 55 times, option C correct है. question number 19 देखे, radium gives up rays known as alpha rays, option A correct option. question number 20 number question को देखे, the velocity of EM waves is what, option D, 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 21 देखे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस एंड लिक्विड्स डिक्रीजेस, ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 22 देखे, sometimes a cycle of well inflated tires left in the sun has its tubes burst open, why? पहलों का तम साइकिल को धूप में छोड़े तो उसके जो ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर इन साइड द ट्यूब इंक्रीजेस, ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 23 देखे, present day philosophy of education lays emphasis upon the adjustment of the whole individual and society socially adjustment, option A is correct option hai. ye pedagogy ka question hai. question number 24 dekhe, an important purpose of supervision is to extend the vision of teacher and improvement, option बी इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें. क्वेश्चन नंबर 25 देखे, द रिकॉर्ड्स नाउ यूज इन मोस्ट स्कूल सिस्टम आर ऑफ द कमुलेटिव वैरायटी, ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन 27,
ह्यूमन रिलेशंस इनफॉर्मल ग्रुप्स पीयर प्रेशर एंड इंट्रिंसिक टू वर्ल्ड साइकोलॉजिकल सोशल सिस्टम थ्योरी ऑप्शन सी 27 नंबर मैनी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड टू क्लासरूम सिचुएशंस ऑप्शन ए पेज नंबर 28 देखें आ ब्रीफली डिफाइंड व्हाट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन ऑप्शन ए करेक्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखे ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय गार्डनर ऑप्शन बी करेक्ट है 31 नंबर क्वेश्चन द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स is to observe children constantly and to keep a written record of even as they occur from day to day, day by day. Option A. Question number 32. A major in-stream use of water is for agriculture irrigation. In-stream. Question number 33 देखें द मोड इन सिट स्कोर 5, 7, 9, 11, 13 इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है तो नन ऑफ दीज आएगा मोड वो ऐसा होता है जो बार बार आ जाए 34 नंबर क्वेश्चन देखें असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट ऑल ऑफ द नीचे ऊपर जो दिए गए हैं ऑल ऑफ दिम इंफॉर्मेशन ऑप्शन डी करेक्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखे ईसे टाइप टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल टेस्ट ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 36 इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज फैसिलिटीज एंड हेल्प अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम रिजल्ट एंड सी ओवरऑल इफेक्टिवनेस evaluation is to be conducted by administrators option c correct hai 37 number dekhe the term thermonuclear reaction refers to what it refers to fusion option c 38 number question dekhe Cooling the air without changing the water vapor's contents will decrease the relative humidity. Option C. 39 number देखे Who discovered vitamins which we are told are essential for a healthy and vigorous life? R.C. Funk. Option A correct है 40 नंबर क्वेश्चन एज द अमाउंट ऑफ क्ले इन अ सॉइल इंक्रीजेस इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस ऑप्शन ए क्वेश्चन 41 द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन फॉर हाई स्कूल पीपल इज अ प्रॉपरली वेरिड डाइट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 देखे 42 नंबर कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स वेरी अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंटेलिजेंस ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 43 देखे सिल्वर इज एडमिटेडली अ सॉफ्ट मेटल इट इज कंबाइंड विद सम अदर मेटल टू बिकम आइडियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड काइंड What is that metal? Gold. Option. A correct option hai. Or question number 44.
ऑक्सीजन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूसेस व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और बर्निंग. व्हेन ऑक्सीडेशन इज वेरी क्विक, मे बी सडन, तो व्हाट इज इट कॉल्ड इन साइंस? इट कॉल्ड एक्सप्लूजन, ऑप्शन ए. 45 नंबर क्वेश्चन देखिए. स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स एज्यूम स्फेरिकल शेप बिकॉज व्हाट? बिकॉज ऑप्शन डी, द लिक्विड टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन. और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए. अ फ्यूजन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, इट इज इनिशिएटेड बाय हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी. 47 नंबर, यीस्ट इज एडेड टू डफ फॉर मेकिंग ब्रेड, द डफ इज देन सेट असाइड इन अ वार्म प्लेस बिफोर बीइंग बेक्ड. यीस्ट इज एडेड टू द डफ बिकॉज व्हाट? बिकॉज ऑप्शन बी, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच मेक्स द डफ राइजेस, ऑप्शन बी करेक्ट है. 48 नंबर, द लेजर प्रोड्यूसेस व्हाट? अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट, ऑप्शन ए करेक्ट है. 49 नंबर क्वेश्चन देखिए. व्हिच इज मोर एनर्जेटिक, गामा रेस, ऑप्शन सी. और आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, द लर्नर नीड्स हेल्प इन एवेल्युएटिंग हिज पावर टू अचीव द डिग्री ऑफ सक्सेस दैट ही हैज अटेंड, ऑप्शन ए करेक्ट है. तो ये तो दोस्तों कंप्लीट पेपर. लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.